पंक्ति पर खड़े गणमान्य व्यक्तियों, नेताओं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत फूल मालाओं को याद करते हुए अभी एडवांस ऑफिसर वीआईपी वाहन को रोकने का इशारा करने के लिए निर्धारित जगह पर चौकन्ना एवं सतर्क खड़ा हुआ। और इसी बीच में आपका ध्यान मैदान के बाईं ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां वीआईपी का टारगेट दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। सीताराम मेजर, आप मंच की ओर बढ़ता है वीआईपी कारकेज। मंच के नजदीक पहुंचने से पहले पीएसओ गाड़ी से उतरकर फेंडर वॉक करते हुए ताकि अवांछित तत्व वीआईपी कार तक ना पहुंच सके। वीआईपी के मंच के नजदीक पहुंचने से पहले एडवांस ऑफिसर ने मेन कार को रोकने की जगह का इशारा किया, जिस पर प्रशिक्षित पीएसओ कार को सुरक्षा घेरे में लेकर चारों तरफ जायजा लेते हुए मैन पीएसओ ने चारों तरफ जायजा लिया। अभी संकेत मिलने पर टीम इंचार्ज के इशारे पर वीआईपी बाहर आते हुए सुरक्षा का इतिहास इस बात का साक्षी व गवाह है कि अलाइटिंग पॉइंट पर कई असासिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। इस तरह अलाइटिंग पॉइंट पर सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अलाइटिंग पॉइंट पर दूर स्थित बिल्डिंग से सफल स्नाइपर अटैक हो सकता है, जिसे व्यू कटर द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी एक मजबूत शारीरिक कवच देकर ही इस प्रकार के अटेम्प्ट को निष्क्रिय किया जा सकता है। अभी आप इन पीएसओ की विभिन्न पोजीशन, वीआईपी की बुलेट प्रूफ कार एवं 360 डिग्री आर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। राइट लीव सामने व दाहिने तरफ के क्षेत्र को वॉच करते हुए, लेफ्ट लीव सामने व बाईं तरफ के क्षेत्र को वॉच करते हुए, टीम इंचार्ज अपने सामने व हाई राइज बिल्डिंग पर ऑब्जर्वेशन करते हुए तथा दरवाजे पर काबू रखे हुए, मेन पीएसओ अपने सामने तरफ के क्षेत्र को वॉच करते हुए, टेल पीएसओ वीआईपी वाहन के अपोजिट साइड को ऑब्जर्वेशन करते हुए, पायलट ऑफिसर वीआईपी कारकेड में चलने वाली गाड़ियों के मार्ग में सुरक्षा एवं कार्यक्रम के पश्चात वीआईपी के प्रस्थान हेतु गाड़ियों को रिफॉर्म कराने की जिम्मेदारी संभाले हुए, प्रोसीड वीआईपी अब रिसेप्शन लाइन की तरफ अग्रसर। वीआईपी स्थानीय नेताओं से मुलाकात करते हुए रिसेप्शन लाइन में खड़ी स्थानीय नेताओं से मिलने के बाद वीआईपी अब मंच पर आरूढ़। सभी पीएसओ ने अपनी अपनी पोजीशन ली और अभी स्थानीय नेताजी द्वारा आग्रह पर वीआईपी जनसभा को संबोधित करते हुए जैसा कि आपने देखा वीआईपी के भाषण के दौरान भीड़ में से एक हमलावर ने पिस्टल निकालकर वीआईपी पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन चौकन्ने व सजग पीएसओ ने इस खतरे को भांपा तथा उससे निपटने के लिए लाउडली साउंड ऑफ करके खतरे की दिशा एवं प्रकार को बताया। अभी आप इन पीएसओ की पोजीशन देख सकते हैं। राइटली वीआईपी तथा लाइन ऑफ फायर के बीच बॉडी कवर लेकर अटैकर पर फायर के लिए तैयार, लेफ्टली लेक्चर स्टैंड का कवर लेकर अटैकर पर फायर के लिए तैयार, टीम इंचार्ज व मेन पीएसओ वीआईपी को टच डाउन करके मजबूत बॉडी कवर देते हुए, टेल पीएसओ वीआईपी को सामने से बॉडी कवर देते हुए, एडवांस ऑफिसर रोस्टरम के बाएं तथा दाहिने ओर से हमलावर का सामना करते हुए, प्रोसीड। जैसा कि आपने देखा जब पीएसओ वीआईपी को सुरक्षा कवच देते हुए इवैक्यूएट कर रहे थे, उसी समय भीड़ में से एक और हमलावर ने वीआईपी की तरफ ग्रेनेड फेंका, जिसे राइट लीग ने अपनी सतर्क निगाहों से देखा और साउंड ऑफ करके अन्य पीएसओ को तुरंत खतरे की दिशा एवं प्रकार को बताया। वह स्वयं ग्रेनेड के ब्लास्टिंग इफेक्ट को कम करने के लिए उस पर लेट जाता है। अभी आप इन पीएसओ की पोजीशन एवं ग्रेनेड ड्रिल देख सकते हैं। राइट लीग ग्रेनेड के ब्लास्टिंग इफेक्ट को कम करने के लिए ग्रेनेड पर लेटे हुए, यहां बताना उचित होगा कि ग्रेनेड का एक्टिवेशन टाइम 4 सेकंड का होता है, जिससे अत्यंत नजदीक यानी 6 फीट रेंज के अंदर होने से इसे वापस नहीं फेंका जा सकता, जिसके कारण अन्य कोई विकल्प ना देखकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पीएसओ तत्काल वीआईपी एवं जन समूह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके ब्लास्टिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए स्वयं उसके ऊपर लेट जाता है। लेफ्ट लीव वीआईपी को संपूर्ण बॉडी कवर देने के लिए टीम इंचार्ज व मेन पीएसओ के ऊपर लेटे हुए तथा भीड़ की तरफ निगाह जमाए हुए, टीम इंचार्ज व मेन पीएसओ
वीआईपी को कवर इसका मजबूत सुरक्षा कवच देते हुए, टेल पीएसओ वीआईपी के सिर को कवर देकर अपोजिट साइड पर निगाह जमाए हुए, एडवांस ऑफिसर प्रथम एडवांस ऑफिसर रोस्टरम के बाईं ओर से हमलावर को न्यूट्रलाइज करते हुए तथा दूसरा एडवांस ऑफिसर रोस्टरम के दाहिने तरफ से ग्रेनेड से स्वयं को बचाने के लिए जमीन पर लेटकर हमलावर को न्यूट्रलाइज करते हुए ग्रेनेड एक्सप्लोड हो चुका है। राइट लीड की बॉडी छत विक्षित हो चुकी है जो वीआईपी तथा अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण व उसके बलिदान का प्रतीक है। मेन पीएसओ एवं टीम इंचार्ज ने वीआईपी को कार में तुरंत बिठाया। वीआईपी सुरक्षा में लगे पीएसओ को दो ही कार्य करने होते हैं, या तो वीआईपी को खतरे से दूर कर दे या खतरे को वीआईपी के। अभी मैं आपका ध्यान मंच के दाहिने ओर ले जाना चाहूंगा जहां वीआईपी कारपेट पर एम्बुल को एसएफएल किए जाने की कार्रवाई का प्रदर्शन किया जाएगा। वीआईपी के तेज गति से आगे बढ़ रहे कारपेट को रास्ते को आतंकवादियों ने आगे की तरफ से देते हुए खतरे को निष्क्रिय किया। साथ ही मैन कार का चालक 180 डिग्री टर्न करते हुए ले जाता है।